अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, हम मौजूद हैं पॉडकास्टर में, जहाँ पे 1500 किलोवाट का पावर हाउस है। तो इसकी हम लोग आपको ऑपरेशन बताएंगे कि ये किस तरह ऑपरेट होता है और इसकी क्या सेफ्टियाँ होती हैं और सबसे पहले किन किन चीज़ों का हमें खास ख्याल रखना चाहिए। ये आप देख सकते हैं, ये पावर हाउस है हमारा 1500 किलोवाट का। ये पावर हाउस है, आप देख सकते हैं, ये कूलिंग टावर कनेक्टेड है इसके साथ। ये तकरीबन 4 कूलिंग टावर्स पे कनेक्टेड है, आप देख सकते हैं। ये जिनसार भाई हमारे साथ मौजूद है, ये पावर हाउस ऑपरेट करते हैं, बहुत ही सीनियर है, बहुत अच्छा तजुर्बा है इनसे। आइए इनसे जानते हैं कि पावर हाउस को ऑपरेट करने के लिए किन खास बातों का ख्याल रखा जाता है। ये जो हमारे कूलिंग टावर हैं, ये दो लगे हुए हैं हमारे, ये जो है दो है, ये है एक और दो जो है ऑपरेशन। अच्छा, दो साइड वाले एंड आउट, ये हीट रिकवरी के लिए भी इस्तेमाल कर रहे हैं। ये देखो, ये इंजन से आउट होने की लाइन है, ये इंजन से आउट होके इधर आ रहा है पानी, ये जेकेट वाटर की लाइन है। और जो ये जो वहाँ से जा रही है, ये कूलिंग टावर की लाइन है, इसको आप जो है आफ्टर कूलर की लाइन बोलते हैं। हो रही है और ये इंजन से आउट होके हमारे पास पानी आ रहा है, इसमें जो पानी आ रहा है इसमें, तो ये ठंडा होके फिर हीट एक्सचेंजर में जा रहा है और इसमें कंपन सर्कुलेट करके दे रहा है। ये पानी सर्कुलेट हो रहा है, तो यहाँ से हमारे सिलेंडर चार्जिंग हो रही है और हमारे इंजन में जा रहा है। आपने पावर हाउस 1500 किलोवाट के बाहर इंजन का लुक देखा और कूलिंग टावर, हीट एक्सचेंजर और पंप कनेक्टेड सारी तफसील आपको जिनसार भाई ने बताई है। आइए इसकी ऑपरेशन जानते हैं कि ये ऑपरेशन किस तरह करता है, क्या क्या ऑपरेट करता है। भाई हमारे पास ये कंट्रोल रूम है, ये बनाया हुआ है कंपनी ने, इसके अंदर ये हमारी आईपीसी है, यहाँ से ऑपरेट होता है। ये देख लो, ये इसका ओवर व्यू है, यहाँ पे देखो ये 1080 किलोवाट चल रहा है, ये मतलब भी लोड आ रहा है यहाँ पे। उसके बाद ये इसके टेम्परेचर है, ये एम्पीयर हो गए, वोल्टेज हो गए, किलोवाट हो गए, केवीआर हो गए, केवीए हो गए, ये इसके हर्ट्स हो गए, ये हो गया इसका
पावर फैक्टर हो गया इसका, ये इसका जो है जैकेट वाट प्रेशर आ रहा है, ये जैकेट वाट टेम्परेचर आ रहा है इसका, ये इसकी आरपीएम है, उसके बाद ये आयल टेम्परेचर है इसका, और ये प्रेशर, ये उसका इसका मैनिफोल्ड टेम्परेचर है, ये उसका मैनिफोल्ड प्रेशर है,